एक बार फिर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली है, जिसमें एक मरीज एम्बुलेंस के अभाव में घंटों तड़पता रहा, लेकिन पतरातु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नींद में सोया रहा। दरअसल एक सड़क दुर्घटना में पतरातु निवासी सोनू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसे पतरातु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन रिम्स ले जाने के लिए मरीज को घंटों एम्बुलेंस नहीं मिली। मरीज दर्द से कराहता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन गहरी नींद में सोया रहा और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। कहाँ रेफर किए हैं? अभी तक सुनते हैं यहाँ पर अस्पताल का जैसे होना चाहिए, एम्बुलेंस लगा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ड्राइवर एम्बुलेंस का नहीं है। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कि क्या बताएं। एक्सीडेंटल केस है, इंजरी बहुत ज़्यादा है, जिससे एम्बुलेंस का बहुत जल्दी जरूरी था हम लोग को, पर अभी तक जरूरी 108 में फ़ोन कर रहे हैं, तभी 108 वाले बोल रहे हैं 40 मिनट के बाद आएंगे, फिर लगा रहे हैं तो फिर बोल रहे हैं 35 मिनट के बाद आएंगे, ऐसे 1.5 घंटा हो गया। और यहाँ के ड्राइवर को फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम पोलियो का पोस्टर लगा रहे हैं, ये वो कुछ बोल के एकदम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।